हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वी हैव डिस्कस्ड इन आवर अर्लियर क्लास अबाउट विंडो 7 फाइल्स एंड फोल्डर्स। टुडे वी विल कीप कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, विंडो 7 फाइल एंड फोल्डर्स। सो व्हाट इज अ फाइल एंड फोल्डर्स, हाउ टू क्रिएट? वी विल लर्न टुडे दीज टर्म्स। What is the information? What is the file? What is the folder? And how we create, rename, how open, and how we will delete a file or folder? And how we can select the file and folders together, a lot of files, one time, only one file we want to select. So learn these all the topics today. Let's start. What is the information? Information is ए नॉलेज वी शुड गेन। ये बोल रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, नॉलेज है हमारे लिए। जो हमें मतलब कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें गेन करनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई जगह का नाम है, कोई वीडियो है रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो इंफॉर्मेशन हमें हमेशा गेन कर लेनी चाहिए। वो चाहे हमें किसी भी फॉर्म में हम गेन करें, जैसे अब आप लोग हैं अपनी क्लासेस कंटिन्यू जो गेन कर पा रहे हैं, ऑनलाइन स्टडी के थ्रू कर रहे हैं, टीचर से कर रहे हैं, न्यूज़पेपर से कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ से हम इंफॉर्मेशन, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं, हमारे टीचर से, पेरेंट्स से? तो क्या होता है कि जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसको हम कभी भूल भी जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, आप जैसे ये अभी पढ़ने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम पे आप राइट डाउन करते हैं नोट्स। क्यों? क्योंकि आप एक बार ही सुना हुआ भूल सकते हैं, फोन से डिलीट हो सकते हैं। तो आपके पास राइट डाउन होगी इंफॉर्मेशन, तो आप सेकेंड टाइम जब भी आपको जरूरत होगी, एग्जाम के टाइम पे, टेस्ट के टाइम पे, तो आप यहाँ से उसको रिपीट कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। सेम ऐसे कंप्यूटर के अंदर भी बचे, जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं वो हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, और जो कोई भी डाटा हम कोई फाइल निकाल के, फोल्डर निकाल के हम सेव करते हैं, तो वो क्या है, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और कंप्यूटर के अंदर भी ऐसे ही टेम्परेरी भी सेव होती हैं और परमानेंटली भी सेव होती हैं। तो कोई भी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई बात, दैट इज द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कोई नॉलेज। नाउ व्हाट इज ए फाइल? फाइल इज लाइक ए कंटेनर। लाइक आपने कोई भी चीज, वी आर टेकिंग वन एग्जाम्पल, आपने कार्ड डाली है एक बाउल के अंदर, तो क्या है, जो बाउल है वो कंटेनर है, ठीक है, और उसमें आपने कोई चीज डाली है। सेम ऐसे इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन है वो भी हम कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं, ठीक है। फिजिकली जब हम स्टोर करने की बात करते हैं, तो आप पेन और नोटबुक होगा, आप वहां पे राइट डाउन करते हैं। सेम ऐसे कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है, जो इंफॉर्मेशन है हम उसको स्टोर करते हैं। कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं, तो वो है फाइल, एक जो आपका मेथड है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। ए फाइल इज ए कंटेनर दैट स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने बोला था कि इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम फाइल को यूज करते हैं। अब वो इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, वीडियो, ऑडियो, प्रोग्राम्स हो सकते हैं, मूवीज हो सकती हैं, कुछ भी, वट एवर, ठीक है। अब जो आपने देखा होगा आपके घर पे भी, अगर लैपटॉप है, कंप्यूटर स्कूल में देखे होंगे आपने, तो जो डेस्कटॉप है यानी कि फर्स्ट स्क्रीन, जब हम अपने पीसीज को ऑन करते हैं, इस तरह के आपको आइकन्स नजर आते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको शो करवाया है, ठीक है। इस तरह से जब आइकन्स होते हैं, तो ये वाले आइकन्स क्या है, ये है फाइल्स, दैट इज अ फाइल, वर्ड फाइल, ठीक है। देखो ये फाइल है और ये फोल्डर है जो येलो कलर में है, ठीक है, जैसे एप्पल है, स्कूल डाटा, तो ये सारे क्या है, फोल्डर्स हैं, ठीक है, येलो में। ये है फाइल्स आपकी, वर्ड फाइल है, पीडीएफ फाइल है, ओके। ये आपकी फोटो जो ले रखी है, तो वीडियो टाइप फाइल, पीएनजी, तो इस तरह से जेपीजी, तो ये सारी क्या है, टाइप्स हैं। और इन्होंने कर क्या रखा है कि डाटा स्टोर कर रखा है, ठीक है, कि इनके अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है। तो फाइल क्या हुआ, कंटेनर, जो क्या करती है, हमारी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। नेक्स्ट, व्हाट इज अ फोल्डर? फोल्डर इज अ वे टू ऑर्गेनाइज ऑफ कंप्यूटर फाइल्स। ए कंप्यूटर इज अ स्टोरेज स्पेस। क्या है कि जो फाइल है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, वो इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप से हो सकती है। और जो फोल्डर है, अब आपने देखा होगा, मान लो अब आपके पास, देखा है मैंने, बैग में आप एक फोल्डर रखते हैं और उसमें हर सब्जेक्ट का टेस्ट वन पेज पे हुआ,
वन पेज, फिर सेकंड पेज, तो वन बाय वन उन पेजेस को कलेक्ट करके एक फोल्डर बनाते हैं। सेम ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर भी बेटा, जो फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर हम अपनी फाइलें स्टोर करते हैं कि ये फाइल हमारी वर्ड की फाइल है, ये हमारी पीपीटी फाइल है, ठीक है, ये हमारी एक्सेल की फाइल है, ये हमारा डाटाबेस की फाइल है। तो इस तरह से सारी जो इंफॉर्मेशन है डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स के अंदर, उन सबको हम फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे मान लो हमने डेस्कटॉप पे अपनी फाइल को सेव किया है, स्टोर किया है, तो बहुत डेस्कटॉप लेकिन पूरा फिल हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। तो उस काम को हम शॉर्ट कर सकते हैं बाय द फोल्डर। हम फोल्डर बनाएंगे और डिफरेंट टाइप और जो रिलेटेड फाइल्स होंगी वो हम एक फोल्डर के अंदर उठा के रख देंगे। टेक वन एग्जाम्पल फॉर दिस, जैसे हम घर में बुक सेल्फ पे अपने बुक्स रखते हैं, हम क्या करते हैं कि ये 6th क्लास में मैंने पढ़ा था, इसको इस सेल्फ पे रखते हैं, ये नेक्स्ट टाइम कभी भी यूज हो सकती है। नेक्स्ट सेल्फ आप यूज करते हैं फॉर द 5th क्लास, ठीक है। या फिर आप ऐसे करते हैं, ये मेरे कंप्यूटर की बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, ये सारा मैटर, ये मेरा इंग्लिश से रिलेटेड है, ये, तो अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड करते हैं। सेम ऐसे ऐसे फोल्डर के अंदर हम करेंगे कि ये फाइलें हम इस फोल्डर के अंदर सेव कर रहे हैं, ये डाटा हम यहाँ सेव कर रहे हैं, ओके। तो फाइलें हम फोल्डर के अंदर स्टोर करते हैं, तो जो फोल्डर है वो कंटेनर फॉर स्टोरिंग द फाइल्स। अब एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर के अंदर स्टोर कर सकते हैं, यस वी कैन स्टोर वन फोल्डर इन साइड द अनदर फोल्डर, दैट फोल्डर इज नोन एज अ सब फोल्डर, ओके। जो फोल्डर एक किसी फोल्डर के अंदर जो हम स्टोर करते हैं उस फोल्डर को हम बोलेंगे सब फोल्डर। Got it? Now, selecting a file or folder. एक फाइल और फोल्डर को हम किस तरह से सिलेक्ट करते हैं? जस्ट आपने आइकन्स देखे हैं डेस्कटॉप के ऊपर, दीज ऑल आर द फाइल्स एंड फोल्डर। आप क्या करेंगे, माउस बटन प्रेस करेंगे, फर्स्ट उस आइकन के ऊपर लेके जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। माउस को आप उस जो भी आइकन आपने ओपन करना है, जो फाइल ओपन करनी है, उसके ऊपर आप माउस को लेके जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे, तो जो आपने आइकन सेलेक्ट किया है वो हाईलाइट हो जाएगा, डबल क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा। नाउ गॉट इट। नाउ सी, सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स आर ग्रुप टुगेदर। जब हम मल्टीपल फाइल्स और फोल्डर्स को हम वन टाइम पे वन ही फोल्डर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देखना डेस्कटॉप के ऊपर जब आप माउस से एक आइकन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं, तो एक ही आइकन आप वहाँ पे खोल रहे हैं, या एक ही आइकन के ऊपर कोई भी आप प्रोसेस कर रहे हैं अप्लाई, तो एक ही आइकन के ऊपर कर रहे हैं आप, एक फाइल के ऊपर, एक फोल्डर के ऊपर। अब हमें करना है कि मल्टीपल फाइल एंड फोल्डर्स हम एक साथ उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन करनी है, तो वी हैव टू कीज, कंट्रोल की एंड शिफ्ट की। टू कीज आर हेयर, कंट्रोल की एंड शिफ्ट की वी विल यूज फॉर मल्टीपल फाइल्स एंड फोल्डर्स, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, क्लिक द फाइल एंड फोल्डर एंड होल्ड कंट्रोल की। हमने जब भी एक से ज्यादा फाइल फोल्डर्स पे काम करना है तो हम कंट्रोल की प्रेस करेंगे, ठीक है, और हम जितने फाइल फोल्डर्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं उतने हम करेंगे, और हम शिफ्ट की भी यूज करेंगे। तो लेट्स सी कि हम शिफ्ट की कहाँ पे यूज करेंगे और कंट्रोल की कैसे यूज करेंगे। सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स। नॉन एडजेसेंट, टू सेलेक्ट नॉन एडजेसेंट फाइल एंड फोल्डर, क्लिक ऑन द फर्स्ट फाइल और फोल्डर, होल्ड डाउन द कंट्रोल की। नॉन एडजेसेंट होता है बेटा नॉन कॉन्टिन्यूस, ठीक है, जैसे वन बाई वन, लाइक ऐसे ही लगा लो आप, जैसे ये सिलेक्टिंग लिखा हुआ है, इसके बाद नॉन लिखा हुआ है, एडजेसेंट लिखा हुआ है, तो ये क्या है, सारे आपके एडजेसेंट है, यानी कि सिलेक्टिंग के बाद नॉन है, नॉन के बाद एडजेसेंट है, तो ये सारे के सारे एडजेसेंट वर्ड्स आपके लिखे हुए हैं। नॉन एडजेसेंट क्या होगा, सिलेक्टिंग के बाद जैसे फोल्डर, ठीक है, यानी कि बीच में कॉन्टिन्यू नहीं, नॉन कॉन्टिन्यूस, समझ आ गया। तो नॉन जो एडजेसेंट है उसको हम करेंगे कंट्रोल की प्रेस करके, आप एक आइकन को, एक फाइल को, एक फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल की होल्ड डाउन करके रखेंगे, नेक्स्ट फाइल फोल्डर यू कैन सेलेक्ट, एंड नेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ द कंट्रोल की। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडजेसेंट फाइल एंड फोल्डर, तो हम किस तरह से सेलेक्ट करेंगे उसको, हम सेलेक्ट करेंगे एडजेसेंट जो फाइल फोल्डर्स हैं उसको विद द हेल्प ऑफ द शिफ्ट की, ठीक है। शिफ्ट की के साथ हम उसको सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट आपने किया कोई भी फाइल फोल्डर आइकन सेलेक्ट, उसके बाद यू विल प्रेस द शिफ्ट की कंटिन्यू एंड सेलेक्ट लास्ट की एंड फाइल एंड फोल्डर, बीच का जितना भी फाइल्स एंड फोल्डर्स आइकन्स होगा सब सेलेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट आइकन को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद लास्ट आइकन को सेलेक्ट कीजिए,
विद द हेल्प ऑफ द शिफ्ट की, ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस जो एडजेसेंट फाइल एंड फोल्डर को सिलेक्ट करने का मेथड। नाउ क्रिएट ए फोल्डर, हमने देखा कि किस तरह से हम अभी फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं, मल्टीपल फोल्डर्स को सिलेक्ट करते हैं, हम फोल्डर को बनाते कैसे हैं। उसको पहले आप वहां जाइए जहां आपने फोल्डर बनाना है, डेस्कटॉप पे आपने फोल्डर बनाना है तो आप डेस्कटॉप पे आइए, जो आइकन्स हैं उनसे राइट साइड में जो स्पेस होता है फ्री स्पेस, वहां पे आओ आप, राइट क्लिक कीजिए वहां पे, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू, न्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आप फोल्डर पे क्लिक करेंगे, न्यू फोल्डर, द फोल्डर विल बी डिस्प्लेड, और वो फोल्डर आपको बन जाएगा, आपको दिखाई देगा। उसका नाम जो है बाय डिफॉल्ट वो होगा न्यू फोल्डर, ठीक है। न्यू फोल्डर के साथ वो एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। करना क्या है आपको, वहां जाइए जहां पे आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद न्यू फोल्डर ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करो, न्यू फोल्डर आपने जैसे ही क्लिक किया वो फोल्डर आपको डिस्प्ले हो जाएगा, बन के आपके सामने आ जाएगा, बट उसका नाम जो होगा न्यू फोल्डर होगा और वो हाईलाइट होगा, न्यू फोल्डर नेम। अगर आप इसको यहीं पे चेंज करना चाहते हैं न्यू फोल्डर को, लाइक आप अपना नाम से कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं, स्कूल से कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं, क्लास से कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं, तो टाइप दैट नेम, लाइक ABC, मैंने उस फोल्डर का नाम वहीं पे सेलेक्ट कर दिया न्यू फोल्डर की जगह पे, तो अब ABC के नाम से वहां पे आपका फोल्डर क्रिएट होकर एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आइकन बन जाएगा, एक फोल्डर बन जाएगा, फोल्डर का आइकन आपको नजर आएगा, ABC फोल्डर। नाउ हाउ टू क्रिएट ए फाइल, फाइल को क्रिएट करने के हमारे पास टू मेथड्स हैं। फर्स्ट सेम आप फोल्डर की तरह राइट क्लिक कीजिए डेस्कटॉप के ऊपर, और वहां पे आपको जैसे न्यू फोल्डर मैंने ऑप्शन बताया था कि फोल्डर क्रिएट करने के लिए, सेम ऐसे ही न्यू फोल्डर के नीचे आपको मिलेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वर्ड फाइल्स एंड PPT फाइल्स, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो आप वहां से सिलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सी फाइल चाहिए, आपको PPT फाइल चाहिए, वर्ड की फाइल चाहिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मान लो मैंने सिलेक्ट किया वहां से, तो मेरे पास एक फाइल बन के तैयार हो जाएगी, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी कि नोटपैड जो है उसकी फाइल बन के आपके सामने आएगी डेस्कटॉप पे। अब आप उस फाइल के अंदर जो काम करना चाहते हैं वो आप काम कीजिए, देन सेव कर दीजिए। तो ये आपकी एक मेथड था कि आप फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। सेकंड मेथड है आपका कि आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन कीजिए, उसके अंदर आप अपना डाटा, कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाइए, ठीक है। बनाने के बाद आप उसको सेव करेंगे, तब वो आपसे नाम पूछेगा कि आप इसको किस नाम से सेव करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद वो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आपके टू मेथड्स हैं इस फाइल को क्रिएट करने के लिए। ओपनिंग ए फाइल एंड फोल्डर, अब हमने क्या किया, फाइल एंड फोल्डर को हमने मल्टीपल फाइल एंड फोल्डर्स को सिलेक्ट भी कर लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर ऑपरेशंस करना, यानी कि अब हम फाइल को हमने जो क्रिएट किए हैं अभी फाइल एंड फोल्डर्स, हम उसको खोलेंगे कैसे। डेस्कटॉप पे हमें अब एक न्यू फोल्डर के नाम से ABC से फोल्डर दिखाई दे रहा है, उसको खोलने के लिए आप उसके ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे और डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है, वो फाइल एंड फोल्डर आपके सामने ओपन हो जाएगा। रीनेमिंग ए फाइल एंड फोल्डर, मान लो आपने राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक किया और उसको एंटर कर दिया, तो आपका जो एक फोल्डर था वो न्यू फोल्डर के नाम से क्रिएट हो गया। अब मैं चाहती हूँ कि उस फाइल एंड फोल्डर को मैं अपने नाम से सेव करूँ, ताकि मुझे ये पता चल जाए। अब जैसे हम स्कूल के फोल्डर्स पर PC पे बैठे हैं, तो अश्वनी के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है, ताकि मुझे ये पता चले ये अश्वनी मैम का फोल्डर है, ये और किसी मैम का फोल्डर है, तो मैं उसको रीनेम करना चाहती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, जो पहले से एक फोल्डर बना हुआ है उसके ऊपर जाऊँगी और उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगी। राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन नजर आएगा रीनेम, और आप वहाँ पे अपने चॉइस का नेम डाल सकते हैं। अब मैं वहाँ पे टाइप करूँगी अश्वनी और एंटर करूँगी, तो वो फोल्डर अश्वनी के नाम से क्रिएट हो जाएगा। नाउ स्टेप्स ऑफ रीनेमिंग, हाँ जो मैंने अभी आपको बताया, आप शॉर्टकट की यहाँ से देख सकते हैं और किस तरह से क्रिएट होगा, जो मैंने अभी बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ सिलेक्टिंग एडजेसेंट फाइल एंड फोल्डर्स, ये मैंने आपको पहले बताया है कि नॉन एडजेसेंट और एडजेसेंट फाइल फोल्डर्स को हम किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। एडजेसेंट जो फाइल्स हैं उसमें हम शिफ्ट की यूज़ करेंगे, फर्स्ट आप आइकन और फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लास्ट आइकन और फोल्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है, बीच के जितने भी फाइल फोल्डर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। नाउ सी द नेक्स्ट, हाउ वी विल डिलीट फाइल एंड फोल्डर्स, अभी तक हमने किया क्रिएट करना, मल्टीपल फाइल एंड फोल्डर्स को सिलेक्ट करना, ओपन करना, रीनेम करना, एंड उनको डिलीट कैसे करेंगे। मान लो हम चाहते हैं कि डाटा से मैंने अपना फोल्डर डिलीट करना है, सिस्टम से अपना फोल्डर को डिलीट करना है, तो हम उस आइकन के ऊपर जाएंगे या फोल्डर के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और डिलीट का ऑप्शन आपको नजर आएगा, आप डिलीट की बाय द हेल्प ऑफ
कीबोर्ड से आप डिलीट की प्रेस करेंगे और फोल्डर आपका डिलीट हो जाएगा। अच्छा, जो फाइल एंड फोल्डर आप इस तरह से डिलीट करेंगे, वो सारे फाइल एंड फोल्डर्स हमारे रिसाइकल बिन के अंदर चले जाते हैं। रिसाइकल बिन के अंदर जाने के बाद वो वहाँ पे स्टोर होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम से ही आपका डाटा ख़त्म हो जाए, वो जो आपने डिलीट किया है, तो आपको रिसाइकल बिन जो एक आइकन है डेस्कटॉप के ऊपर, आप उसके ऊपर क्लिक करो, राइट क्लिक कीजिए और वहाँ से उस पर डिलीट रिसाइकल बिन, तो आपका डाटा वहाँ से भी रिसाइकल हो जाएगा। अच्छा, छोटा छोटा जो प्रैक्टिकल है इसका, वी विल डू इन आवर नेक्स्ट क्लास, और कुछ टॉपिक्स और बचते हैं इस चैप्टर के, तो वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।